कि 7.5 साल में रोड लाइव टेस्ट होता, तो यहाँ पर आज हम लाइव आ चुके हैं। और कल के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से, मैं लाइव नहीं आ पाया था। बट अब ये जो लाइव है वो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, तो जल्दी से यहाँ पर लोग जुड़ जाएँ, देखते हैं नोटिफिकेशन गया है या नहीं गया है, उसका स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज मैं यहाँ पर जो प्रकाश चैप्टर है, आपको पता है कि मैं सामान्य विज्ञान के जो चैप्टर वाइज आपके MCQ करा रहा हूँ, तो प्रकाश चैप्टर का जो MCQ है एज ए लाइव टेस्ट मैं आपको करवाऊँगा। तो ये 5वां चैप्टर है, इसके पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो जल्दी से जो लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और जल्दी से कर दो इस वीडियो को दबा के शेयर, उसके बाद स्टार्ट करते हो। 7 लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, नोटिफिकेशन लगता है आज भी नहीं गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर माही सिंह, मनीषा साहनी, संदीप यादव, जो लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी जुड़ सकें, और दबा के शेयर कर दो वीडियो को। तो सभी को गुड इवनिंग, जी हाँ गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए मैं भी कर देता हूँ इसको शेयर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। तो क्या आप सभी लोग को आवाज़ सुनाई पड़ रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सारे के सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोग को दोस्तों आवाज़ सुनाई पड़ रही है। चलिए आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है, जवाब जो आना शुरू हो गया यहाँ पर, तो चलिए एक मिनट रुकते हैं। चलिए मैं भी कर देता हूँ शेयर, ओके। चलिए तो यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं जी हाँ आवाज़ जवाब आ रही है, लेकिन देखिए आज भी नोटिफिकेशन नहीं गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि नोटिफिकेशन मेरे हाथ में नहीं रहता है, नहीं जाता नोटिफिकेशन, उसका मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। लेकिन 23 लोग जो भी जुड़े हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट को। तो क्या आप सबको आवाज़ सुनाई पड़ रही है दोस्तों? चलिए ओके, तो क्या स्टार्ट किया जाए दोस्तों? जय माता दी, जय माता दी, ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला है आप सबके सामने, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके सामने यहाँ पर है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, कौन से माध्यम के भाई? केवल ध्रुवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम के? चलिए जवाब जो आना शुरू हो गया। तो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम के। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सभी पारदर्शी माध्यम के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो 36 लोग जुड़ गए हैं, तो वीडियो को यार लाइक भी कर दो जिससे और मजा आ जाए। चलिए राधे राधे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। हाँ, 2 का जवाब जो है ना शुरू हो गया। कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं, ईशानी गुप्ता जी, ईशानी जी बोले ए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो इसका डी है ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा, नियॉन गैस। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिका होती है उसमें जो गैस होती है वो नियॉन गैस होती है, तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है, भाई ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। चलिए 3 का जवाब जो है आना शुरू हो गया यहाँ पर। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा, लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, लेज़र बीम बेसिकली जो सीडी प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर वह यंत्र होता है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेज़र बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना का रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन किया जाता है, अथवा उसमें नई सूचना का संग्रह भी किया जाता है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे सबके सामने ये है कि जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या किससे की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है? गुड इवनिंग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब जो आना शुरू हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी MD राशिद अंसारी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बताइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देखते हैं, पहले कौन देता है यहाँ पर। तो 5 का जवाब जो है आना शुरू हो गया यहाँ पर। ओके चलिए 5 का जवाब जो है सब लोग बोल रहे हैं ए। तो जी हाँ दोस्तों, प्रकाश तंतु जो होता है वो कांच, सिल्का अथवा प्लास्टिक निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली तथा खोखली ट्यूब्स होती है। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। और प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पर क्या कह रहा है, सौर विकिरण निम्न तरंग दैर्घ्य परास में से किस परास में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जो है ना यहाँ पर शुरू हो गया यहाँ पर। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर 6 का बी, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 का ए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 का जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 400 से 700 नैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, सौर विकिरण पर अगर जो सौर विकिरण होता है अगर देखा जाए तो ये पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण इसमें विभाजित कर सकते हैं इसको। और जो सौर विकिरण होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य होता है, उसमें दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो कह रहा आपसे यहाँ पर, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। अच्छी बात है अजीत पांडे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। जी हाँ आपका सही है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जवाब दिया है आकाश सिंह ने और ईशानी, तो ईशानी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर तंतु प्रकाशिकी यानी कि जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ये बेसिकली एक संचार प्रणाली होता है, और जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश तरंग, जी हाँ ऑप्शन जो इसका ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दें और दबा के शेयर करते रहें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी। जी हाँ ये सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं निशी खान जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी। जय बजरंग बली ब्रजेश पटेल जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब जो है ना शुरू हो गया। तो जी हाँ यहाँ पर सौम्या शुक्ला जी हैं और ब्रजेश पटेल शिवम, तो सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कांच में। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की गति जो होगा यहाँ पर कांच में सबसे न्यूनतम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। प्रकाश का रंग हम लोग किससे निर्धारित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जो है आना शुरू हो गया यहाँ पर, प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वो रंग जो होता है उतनी दूर से हम लोग को उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग तभी देखते हो कि जो रेड सिग्नल्स होते हैं उनका जो तरंग दैर्घ्य, जो रेड सिग्नल का कलर होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो कह रहा है मृग मरीचिका का कारण है। क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं स्वप्निल थानी जी, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका होता क्या है बेसिकली, माइरेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइरेज, और ये एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं बेसिकली। तो बताइए मृग मरीचिका का कारण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हाँ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जी हाँ ऑप्शन डी आप लोग बोल रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक बार बताओ यार वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको जवाब देना पसंद आता है, मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे तो क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब जो है ना शुरू हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो बी है धूल कण, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण होता है वो बेसिकली धूल कण होता है।
धूल कण होते हैं, गैसों के अणु होते हैं और अन्य पदार्थों के जो सूक्ष्म कण होते हैं उससे प्रकीर्णित हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मैंने अभी आपको बताया था किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। 93 लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा अधिक होता है और आपके बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। विव जोर आपको याद रखना है, ये रेड कलर का तरंग दैर्घ्य होता है 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए बताइए। विव जी और जी हाँ बिल्कुल सही है। 103 लोग यहाँ पर, 100 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जी हाँ, यहाँ पर जवाब जो है आना शुरू हो गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, 13 का सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, ध्वनि के वेग से भी, आकाशीय पिंड के वेग से भी और रॉकेट के वेग से भी। तो ऑप्शन जो इसका सी, ए बी सी डी है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही सत्य हो जाएगा। सर शेयर भी कर दिया मैंने, धन्यवाद स्वप्निल सहनी जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपसे कह रहा है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब जो है ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रकाश विकिरणों की जो विकृति प्रकृति होती है वो आपका क्या होता है, अंशतः तरंग तथा अंशतः कण के समान होती है, कुछ तरंग तथा कुछ कण के समान होती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण की दोहरी प्रकृति, जी हाँ, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को प्रदर्शित करते हैं और प्रकाश के कुछ गुण जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अपवर्तन, परावर्तन आदि गुण प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन जो होते हैं ये आपके तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ तरंग जैसे होते हैं, कुछ कण जैसे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए, सही है मेरा, ओके बहुत अच्छी बात है मिठाई लाल जी। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए, जी हाँ डी ही सही है। चलिए 15 का जवाब जो है ना शुरू हो गया यहाँ पर, ईशानी ईशानी जी क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं आंसर दे देते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब जो है ना शुरू हो गया यहाँ पर, तो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, क्यों भाई, किसके कारण चमकीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए, किसके कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, इसके प्रकाश के अवशोषण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चलिए इसको पढ़ के ही आप लोग जान गए होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है और इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इसी कारण हीरा अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 कह रहा है आपसे यहाँ पर, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आँखों यानी कि नेकेड आई से देखने पर आँखों को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, क्यों। तो यहाँ पर देखिए इसके चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ये रख दिया है मैंने, तो देख लीजिए अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आँखों से देखने पर आँखों को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, क्यों। चलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लीजिए, जी हाँ यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अवरक्त प्रकाश के किरण, जी हाँ कारण अवरक्त प्रकाश के कारण, जो ऑप्शन सी है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त प्रकाश के कारण। चलिए तो जो लोग ऑप्शन सी बोल रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, अवरक्त प्रकाश, सॉरी तिवारी जी, जी हाँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु
रखी जाती है तो उस पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब जो है ना शुरू हो गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, अनंत। जी हाँ दोस्तों, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तो उनके जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो अनंत होगी उनकी संख्या। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो यहाँ पर 113 लोग जुड़ गए हो वीडियो को, अगर लाइक नहीं करो तो ये गलत बात है, तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब में देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर जवाब सबका आना शुरू हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सौर्य तिवारी जी हैं, उत्कर्ष हैं, निशी खान जी हैं। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना आवश्यक होना चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कल कहाँ थे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कल तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था नेटवर्क का और थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं आए थे। ओके परमजीत सर जी, अगर आपको लगता है कि इतना सिंपल नहीं आता है तो यू कैन गो नाउ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है आपसे यहाँ पर, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। कितना क्वेश्चन ही आता है साइंस से सर, आप लोग ऐसी बातें करते हो, 4-5 तो क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब जो आना शुरू हो गया है यहाँ पर, हरा रंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हरा रंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 कह रहा है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब जो है ना शुरू हो गया यहाँ पर, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली लाल नीला और हरा प्रकाश का पुंज जब एक स्थान पर पड़ता है तो श्वेत रंग का जो प्रकाश है उनको सफ़ेद रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश में आपको बताया था ना, तीन मूल या प्राथमिक कलर्स होते हैं जैसे कि लाल, हरा और नीला, और इनको मिलाने से अनेक द्वितीयक रंग जैसे पीला, मैजेंटा और सफ़ेद जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये सारे रंग जो आपके मिलकर बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। नाम भी लिया करिए जिसने पहले बोला है। ओके गौरव पांडे जी, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब जो आना शुरू हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, बेसिकली अगर दोपहर के 12 बजे की बात करें तो दोपहर के 12 बजे क्या होता है, दोपहर के 12 बजे जो सूर्य होता है बिल्कुल हमारे सीधे ऊपर होता है और प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, और हमें इसी वजह से दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर परमजीत सिंह जी बोल रहे हैं, 22 वाला क्वेश्चन 29 के एग्जाम में आया था। देखिए आप कह रहे हो, अभी आपने बोला था ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं और अब आप खुद बोल रहे हो क्वेश्चन आया था। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जी हाँ, मृग तृष्णा एक प्राकाशिक भ्रम है। तो अभी मैंने आपको मृग तृष्णा के बारे में, या उसको माइरेज बोलते हैं, तो इसके बारे में बताया ही था। उसके आगे बढ़िए, देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, तो जी हाँ 23 का यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन, जी हाँ काफ़ी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी, तो पढ़ते हैं ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन जो डी कह रहा है यहाँ पर, वैभव गुप्ता जी कह रहे हैं अरे ठीक है आगे बढ़िए। भाई मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर रुको या आगे बढ़ जाओ, मुझे आगे बढ़ने को मत बोलना आज के बाद।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ऑप्शन जो डी है क्या कह रहा है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों तथा रोगियों के कान या नाक के गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो भाई गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है वहाँ पर। एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण कौन के मिरर होता है, तो ऑप्शन जो डी है वो गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपसे यहाँ पर। थैंक यू अजीत पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कह दीजिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके द्वारा। जीके की क्लास यहाँ 2 दिन से बंद है, बट चलेगा आपका कल से, वो भी चलेगा। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस से प्रयुक्त करके, जी हाँ ऑप्शन इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग इस दोष को दूर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका, अभी आप लोग को क्या दोस्तों आवाज़ सुनाई पड़ रही है? रुकिए रुकिए, अभी कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। आप लोग बताइए कि अभी आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है? चलिए, अभी भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा क्या भाई? जी हाँ यहीं पर हैं हम। क्या आप लोग को आवाज़ सुनाई पड़ रही है दोस्तों? यहीं पर हैं, चलिए क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को जवाब, 24 का जवाब तो आप लोगों ने दे ही दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर 25 कह रहा था आपसे यहाँ पर, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा बताइए। तो जी हाँ 25 में जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टाइमिंग रणविजय सिंह जी, 7:30 बजे लाइव टेस्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। कुछ नहीं हुआ सर, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिए आप लोग। नहीं सर कुछ नहीं हुआ है, 26 का जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो चलिए 26 का जवाब जो आना शुरू हो गया यहाँ पर। तो जल में वायु का जो बुलबुला है वो बेसिकली एक अवतल लेंस याद रखिएगा भाई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि सी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, प्रकाश के रंगों को अलग करने की क्या विधि है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए, प्रकाश के रंगों को अलग करने की क्या विधि है। एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब जो आना शुरू हो गया है। तो प्रकाश के रंगों को अलग करने की क्या विधि है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश के रंगों को अलग करने की क्या विधि है, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर रणवीर सिंह जी, जो टाइमिंग है क्लास की वो 7:30 बजे, आप लोग 7:30 बजे आ जाया करिए, 7:30 बजे टाइमिंग है जी हाँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। चलिए 28 का जवाब जो है यहाँ पर लोग देना शुरू कर दिए हैं। तो जी हाँ 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 28 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कॉनवेक्स का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव का प्रयोग नहीं करते हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे, प्रसारी विश्व यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की संकल्पना आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पर। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पर। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है आपका यहाँ पर, प्रकाश तरंगे हैं।
तो प्रकाश तरंगे कैसी हैं आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब जो है आना शुरू हो गया है। जी हाँ, देखते हैं तो सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो जी हाँ, यहाँ पर जवाब जो ना शुरू हो गए हैं ईसानी जी हैं, जो कि हर जवाब का लगभग लगभग सही ही जवाब दिया है। तो यहाँ पर प्रकाश तरंगे जो है दोस्तों, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। 28 का आंसर क्या सही होगा? 28 का आंसर भाई, 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने आखिरी बोल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यहाँ पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब जो आना शुरू हो गया यहाँ पर, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है दोस्तों जब कोई पदार्थ विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि एक इंडोस्कोप क्या है भाई? मैंने आपको इसमें बताया था कि इंडोस्कोप क्या होता है, एक चिकित्सकीय उपकरण होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है जिसके, एक इंडोस्कोप जो होता है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक लंबी पतली और लचीली नलिका होती है जिसमें एक प्रकाश स्रोत तथा एक वीडियो कैमरा लगा होता है, और इसके अंदर इसके साथ से हम लोग क्या करते हैं कि मानव शरीर के अंदर के जो चित्र होते हैं उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कैमरे का प्रकार, संकीर्ण दूरदर्शी, ना तो सरल दूरदर्शी, कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको हर वीडियो के अंत में बताता हूँ, जैसे कि कंपास बॉक्स जो है इसका प्रयोग कर किस लिए किया जाता है, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र होता है। इसके अलावा केशकोग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधों को वृद्धि को दर्शाने वाला ये यंत्र होता है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला ये यंत्र होता है।